Hello and welcome. Today we are going to start with the last topic of chapter number 5, Rights. The name of the topic is Rights and Responsibilities. As we all know that rights which are given to us, they put some restrictions on the government. And government has to give various kinds of rights. And at any cost, government cannot snatch these rights from us. Thus, government is restricted to provide some work, to do some work. For example, right to education have been provided. The government will provide free and fair, free and compulsory education to the children of 6 to 14 years of age in India. In the same way, there are certain under right to livelihood, NREGA schemes have been launched that has been one of the scheme that is National Rural Employment Guarantee Act. Under that, minimum some days of the year will be provided minimum wages of, and work will be provided to the persons who have low income. So there are, in order to enjoy the rights, we are also having certain responsibilities. It means that personal needs are given less importance as compared to the good and welfare of all. Personal needs ka bahut kam importance di jayegi. Personal interest ko kam importance di jayegi. Well-being of all people will be taken into consideration. For example, agar hum environment ko good banana chahte hain, we want to do something good for all of us, we must do certain steps to protect the ozone layer that is good for all. We should do less of pollution. We should try to minimize air and water pollution. We should maintain the green cover by planting more and more trees and preventing cutting down of the trees, cutting down of the forest. So for all of us, we must do certain steps. हमारे खुद की भी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं ताकि हम इन राइट्स को एंजॉय कर सकें. मोरओवर सेकेंडली, वी आल्सो रिक्वायर दैट आई रिस्पेक्ट द राइट ऑफ अदर्स. दूसरे लोगों के राइट्स को हमने रिस्पेक्ट करना है. फॉर एग्जांपल, अ डिसेबल्ड पर्सन इज देयर, ही हैज बीन गिवन स्पेशल राइट्स एट अ क्लिनिक ऑफ अ डॉक्टर. हम सेम वे नहीं मान सकते क्योंकि उसको स्पेशल राइट्स दिए गए हैं. तो अगर वो पहले आकर डॉक्टर से मिलकर डायग्नोस करवा कर चला जाता है, वी शुड नॉट अपोज. वी शुड ट्राई टू रिस्पेक्ट द राइट्स ऑफ द अदर पीपल ऑल्सो. इफ आई हैव गॉट द राइट टू एक्सप्रेस माई व्यू, आई मस्ट ग्रांट द सेम राइट टू अदर्स. अगर मुझे पूरी आज़ादी है, मुझे राइट मिला हुआ है कि मैं अपनी चॉइसेस की क्लोथिंग करूँ, अपनी चॉइस का म्यूजिक सुनूँ, तो मुझे दूसरों के भी इस राइट को क्या रेस्पेक्ट करना चाहिए. इफ आई हैव गॉट द राइट टू स्पीच, आई कैन नॉट इंसाइट अ क्राउड टू किल माय नेबर. मैं इस अधिकार का प्रयोग करके अपने नेबर पर हमला नहीं करवा सकता. सो आई कैन नॉट डिप्राइव अदर्स ऑफ द राइट्स. द थर्ड थिंग, थर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी वी मस्ट हैव दैट we must balance our rights whenever they come into conflict with others. If I am having a right to expression, I cannot express, I cannot violate the right to privacy of any other person. Right to expression का अधिकार अगर मुझे मिला है तो मैं किसी के अगेंस्ट उसकी प्राइवेट बातें या फिर किसी के अगेंस्ट भला बुरा कुछ भी पब्लिक में लाऊंगा तो वो ठीक नहीं है मेरे लिए. फोर्थली, वन मस्ट बी विजिलेंट टुवर्ड्स ऑल द लिमिटेशंस विच मे बी प्लेस्ड ऑन देयर राइट्स. अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन, अकॉर्डिंग टू एप्रिहेंशन, इफ अ पर्सन इज अरेस्टेड, ही इज पुट बिहाइंड द बार्स फॉर अ पीरियड ऑफ 3 months, देन ही मस्ट बी नोइंग दैट वॉट आर द लिमिटेशंस. किसी भी पर्सन को अरेस्ट करने के बाद हरास नहीं किया जा सकता पुलिस स्टेशन में, सो दैट ही कैन नॉट बी फोर्स्ड टू एडमिट हिज ऑफेंस.
अपने खुद के गुनाह को जिसके कारण उसे गिरफ्तार किया गया है, चाहे उसने किया है या नहीं किया, उसको फोर्सिबली मनाया नहीं जा सकता। सो दीज वर द थिंग्स, दीज वर आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैट वी मस्ट नो, वी मस्ट बी अवेयर ऑफ ऑल द लिमिटेशंस, कि हमारे प्रिवेंटिव डिटेंशन की लिमिटेशंस क्या हैं। अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन के अगेन अंडर हमें अरेस्ट किया गया है तो किस तरीके से अरेस्ट किया जाएगा और हम पर कितना बल प्रयोग पुलिस स्टेशन में पुलिस के द्वारा किया जा सकता है। सो वी मस्ट बी अलर्ट अबाउट ऑल द लिमिटेशंस दैट आर ऑन आवर राइट्स। एवरी अरेस्टेड पर्सन शुड बी अलाउड टू गेट, क्योंकि इतना हमें पता है कि हर लोगों को इतना अवेयर होना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति अरेस्ट होता है तो उसको लीगल काउंसिल प्रोवाइड किया जाता है और अपने केस को नियर बाय मजिस्ट्रेट और कोर्ट ऑफ लॉ के सामने पेश करने का पूरा पूरा अधिकार दिया जाता है। नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स। UNO, you know, United Nations Organization, its General Assembly adopted on 10th of December 1948, in that the beginning of the these declaration preamble has been written. Preamble, you know very well, that is introductory portion of any document. In this, certain rights have been given. We must recognize the dignity, respect of dignity and respect for all equal and inseparable rights so that freedom, justice and peace can be founded in the world. The main target of UNO is to stop the World War III. Sabhi inseparable rights ko hame इक्वली रिस्पेक्ट देना चाहिए और द फ्रीडम जस्टिस एंड पीस शुड बी एस्टैब्लिश्ड इन ऑल ऑफ द वर्ल्ड। वी शुड नॉट डिसरिगार्ड ह्यूमन राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड बिलीफ एंड फ्रीडम फ्रॉम फियर दैट शुड बी प्रोक्लेम्ड फॉर द कॉमन पीपल ऑफ द वर्ल्ड। लोगों को डर से मुक्ति और दे शुड बी प्रोवाइडेड द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड बिलीफ सो दैट दे कैन एक्सप्रेस देयर व्यूज दैट शुड बी प्रोवाइडेड टू ऑल पीपल ऑफ द वर्ल्ड। देयर शुड बी रूल ऑफ लॉ अंडर दिस डिक्लेरेशन। एवरी पर्सन इज इक्वल एंड अ मैन शुड नॉट बी कंपेल्ड सो दैट ही मे स्टार्ट द रिबेलियन अगेंस्ट ऑपरेशन। किसी भी देश में अगर ऑपरेशन होता है, लोगों की भावनाओं को दबाया जाता है, तो फिर वहाँ पर रूल ऑफ लॉ का एस्टैब्लिशमेंट होना चाहिए। दैट शुड बी प्रोटेक्टेड अंडर रूल ऑफ लॉ। देर शुड बी फ्रेंडली रिलेशंस बिटवीन ऑल नेशंस एंड दे शुड बी प्रमोटेड बाय डिफरेंट मीन्स एंड अंडर दिस डिक्लेरेशन इन एवरी पॉसिबल वे promotion of social progress and better standards of life in larger freedom should be there. सामाजिक तौर पर विकास होना चाहिए और लोगों को उनके life standards को और ज़्यादा improve करने की कोशिश की जानी चाहिए। So these were all the rights that are mentioned in the introductory part of Universal Declaration of Human Rights. Thank you. Have a nice day. And this lockdown is going to end soon. I hope we will be starting with the physical classes very soon. By that time, try to watch the videos and solve the assignments given by the teacher. Thank you. Have a nice day and a safe stay at your houses.